incredible. हम आपको टीवी दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर बताएंगे जिन्होंने इस हफ्ते खुशियां बटोरी। हम आपको टीआरपी से लेकर सीरियल के अंदर तक इसके साथ स्टार की निजी जिंदगी के बारे में भी बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन सी पांच खबरों ने सबसे ज़्यादा खुशियां बटोरी। सलमान अली ने जीता इंडियन आइडल 10 का खिताब। हरियाणा के मेहतव जिले में रहने वाले सलमान अली सिंगिंग इंडियन आइडल सीजन 10 अपने नाम कर चुके हैं। फिनाले में लाइव वोटिंग हुई जिसमें सलमान ने सबसे ज़्यादा वोटिंग कमाई। उन्होंने बाकी चार कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर इस किताब को अपने नाम किया। सलमान को इंडियन आइडल की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का चेक के साथ एक कार मिली। बिग बॉस से आउट हुई सोमी खान। बिग बॉस के फिनाले से महज 7 दिन पहले सोमी खान घर से बेघर हो चुकी है। घर से निकलते ही सोमी खान ने कई खुलासे किए। सोमी खान ने केवल अपने और दीपिका के रिश्ते पर बात नहीं की बल्कि रोमिल चौधरी के बारे में कई खुलासे किए। इसके साथ ही बताया बिग बॉस सीजन 12 का विनर कौन बनने वाला है। सोमी ने कहा, दीपक मुझे पसंद करता है और मैं उनकी भावना का कदर करती हूँ। शो के अंदर भी मैंने ये बात कही और अब भी कह रही हूँ। जब सोमी से पूछा गया दीपक और रोमिल में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, इस बात पर सोमी ने कहा, दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। यूट्यूबर स्टार दानिश जहन की कार एक्सीडेंट में मौत। एमटीवी के रियलिटी शो फेस ऑफ स्पेस में हाल ही में शामिल होने वाले यूट्यूबर दानिश जैन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दानिश महज 21 साल के थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वह किसी शादी से वापस आ रहे थे। फिलहाल मुंबई पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। गूगल ने दिया एकता कपूर को एक नया नाम, कंटेंट क्वीन। एकता को दुनिया बेशक टेलीविजन क्वीन के नाम से जानती हो, लेकिन गूगल ने उन्हें कई उपलब्धियां दी। गूगल इंडिया ने इस साल के टॉप ट्रेंडिंग सूची जारी कर दी है। इस सूची में जब गूगल पर एकता कपूर के नाम सर्च किया गया तो सर्च इंजन पर एकता कपूर का नाम भारतीय कंटेंट रानी के रूप में सामने आया। एकता बालाजी के साथ कई वेब सीरीज बना चुकी है, कई वेब सीरीज के द्वारा दर्शकों को आकर्षित कर चुकी है।